हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो पिछले वीडियो का ही क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें हमने फर्स्ट मेथड डिस्कस किया। अब इस वीडियो में हम सेकंड मेथड डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन का। चलो इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन था हमारा 2x^2 − 3x + 2 = 1 है। इसका हमें क्या एक्स का वैल्यू निकालना है। आज हमारा सेकंड मेथड है इसमें। तो फर्स्ट मेथड हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, अगर वो आपने अभी तक नहीं देखा तो उसकी वीडियो की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगी। तो चलो जाओ उस वहाँ पर और देखो उस वीडियो को। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लिखेंगे सेकेंड मेथड में गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास 2x^(-3x + 2) = क्या है, 1 है। अब क्या करते हैं, इस एक पावर को हमें नीचे उतारना है। उसके लिए हम लॉग लगाएंगे, बोथ साइड हम लगाएंगे लॉग। लॉग बन जाएगा लॉग ऑफ 2x^-3x + 2 = आएगा 1। यहाँ पर ये पावर नीचे आएगा सब, तो क्या आएगा, x^-3x + 2। यहाँ पर log ऑफ 2 बन जाएगा, क्योंकि पावर सब आगे इसके। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, log 1 है 0 के बराबर, तो ये 0 के बराबर आएगा log 1। अब क्या बोथ साइड डिवाइड करेंगे बाय log 2, log 2 दोनों साइड डिवाइड करेंगे, लॉग टू एंड लॉग टू कैंसिल आउट हो जाएगा, और 0/log2 इज 0 के बराबर। तो यहाँ क्या बच जाएगा, x^-3x + 2 बच जाएगा, = 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 0/log इज 0 के बराबर। अब क्या करते हैं, ये जो है x, इसको हम स्प्लिट करेंगे और मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, फिर हमें क्या दो वैल्यूज निकलेंगे x के। तो मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं, x^2, यहाँ पर हम -3x को लिख सकते हैं, -x − 2x लिखेंगे, -3x के बदले −(+x1 + 2x = 3x) बन जाएगा, −3x + 2 = 0। इन दोनों से एक x कामन निकालेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा, x और x हमने एक कामन निकाला, अब यहाँ -1 बच जाएगा, और -2 यहाँ पर कामन निकालेंगे इन दोनों में से, तो यहाँ क्या बच जाएगा, x और माइनस हमने कामन निकाला और माइनस आएगा, −−(+) और 2 हमने कामन निकाला, अब 1 बच जाएगा यहाँ, = 0 के बराबर। अब यहाँ क्या आएगा, x − 2 आएगा और मल्टीप्लाई ऑफ इन दोनों में से एक आएगा, x − 1 आएगा, = के बराबर है 0। आइदर x − 2 = 0 और x − 1 = 0, और इस 2 को यहाँ पर लाएंगे हम, x = 2, और यहाँ पर भी यही कंडीशन सेम यूज़ करेंगे, x = 1। ये दोनों वैल्यू निकल गए x के, x = 2 और x = 1। अब इसे वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई हमने पिछले वीडियो में भी किया, फर्स्ट मेथड में भी हमने वेरीफाई किया x = 2 और x = 1। तो अगर आपको देखना है तो आप फर्स्ट वीडियो में जाए, इसके फर्स्ट मेथड में जाए, और वहाँ पर आप इसका वेरिफिकेशन भी देखें, लेट अस वेरीफाई भी देखेंगे इन दोनों पर, x = 2 और x = 1 वेरीफाई भी वहाँ पर हमने किया उस वीडियो में, या पुट किया इन इस क्वेश्चन पे। तो इसी के साथ वीडियो खत्म हो गया। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करो, अगर चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।